नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन में। मैं हूं आपका दोस्त भरत जांगड़ और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाली है, तो वीडियो बिल्कुल पूरा देखना है, ध्यान से देख रहा है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि आप देख पा रहे हैं जो मोटर है, कंप्लीट मोटर खुला हुआ है, कंप्लीट हेड सभी पार्ट्स इसके यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले मोटर का ये देखिए, टैरो जो टैक्समो होती है उसकी तरफ से ये मोटर आती है, टैक्समो इंडस्ट्रीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कम्बो ये कैम्पटूर से। और ये जो वोल्टेज है इसके 180 से 200 तक चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। और कैपेसिटर है जो इसमें यहाँ पे देख पा रहे हैं 60-80 का इसमें लगा हुआ है। आधा एचपी की मोटर है, 1400 RPM का मोटर है। डू नॉट रन ड्राई इसमें नीचे की तरफ लिखा हुआ है, तो वो आपको पता ही है। और यहाँ पे देखिए इसका हेड एम्पलर और एम्पलर के पार्ट, और ये आगे वाला पार्ट जो कि हेड से पहले लगने वाला है। और ये मोटर है जो हमने खोली है, इसका रीजन ये देखिए, जो बैरिंग है ये आगे वाला, तो इसको रिप्लेस करने के लिए पूरी मोटर को खोलना होता है। तो दोस्तों मोटर खोलने का वीडियो हमने नहीं बनाया है, बाकी आप देख पा रहे हैं पूरी मोटर को खोलने के बाद ही ये जो बैरिंग है आगे वाला इसको हम चेंज कर पाएंगे। तो ये दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, इस बैरिंग के लिए देखिए पूरी मोटर को इतना खोलना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों देर ना करते हुए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले ये बैरिंग है जो आगे वाला, इसको हम निकालेंगे इस टाइप से। कोई भी आपको रोड या छेनी वगैरह लेकर इस टाइप से ठोक लेना है, और ये देखिए काफ़ी आसानी से जो बैरिंग है निकल जाएगा। 6304 नंबर का बैरिंग यहाँ पे लगा हुआ है। और ब्रांड की बात करें तो इसमें देखिए SKF का बैरिंग यहाँ पे निकला है, जो कि टैक्समो की सभी मोटर में SKF के निकलते हैं। तो इसमें जो हम चेंज करने वाले हैं टू व्हीलर रेंज का एस्केप का ही बैरिंग हम इसमें डालने वाले हैं। बैरिंग के जो नंबर है देखिए 6304 का ही ये बैरिंग है और मेड इन इंडिया है। तो चलिए बैरिंग की रेट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों काफ़ी पुराने, ये देखिए 2019 का बैरिंग रखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे डालने वाले हैं। लगभग 200 रुपये का बैरिंग हमें उस टाइम पड़ा होगा। तो ये देखिए दोस्तों इस पर भी थोड़ा सा कुछ यहाँ पे देखिए इंडिया नज़र आ रहा है, और इसके जो बैरिंग के नंबर भी इस पर लिखे हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा प्रिंट कुछ हल्का है, बाकी कोई बात नहीं, बैरिंग को सबसे पहले हम लगा कर फिट करेंगे। तो सीट पर लगाने के बाद में शाफ्ट को खड़ा रख लेंगे और साइड से इसको चारों तरफ से बराबर बराबर इसको ठोक कर पूरा बैरिंग सेट कर लेंगे। तो बैरिंग हमारा देखिए लग चुका है बिल्कुल। इसके बाद में दोस्तों जो आगे वाला पार्ट है इसके अंदर हम इसको डालेंगे सबसे पहले। तो इसको हम लगा कर सेट करके खड़ा रख लेंगे, और रोड से ही इसको हम यहाँ बीच में से ठोकना है इसको। इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से काफ़ी जल्दी और 2-3 चोट में ही पूरा कवर इसका सेट हो जाएगा। इसके बाद में ये देखिए जो बैरिंग की प्लेट है पीछे की तरफ, इसको होल मैच करके और आगे से जो स्क्रू लगने वाले हैं, तो यहाँ पे दोस्तों इनको काफ़ी ज़रूरी है ताकि जो रोटर है बिल्कुल आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं जाएगा, फिक्स रहेगा अपनी जगह पे। तो इनको भी पूरा टाइट कर लेना है आपको बिल्कुल अच्छे से। तो यहाँ पे दोनों स्क्रू लगाकर हमारा आगे वाला जो पार्ट है हमारा मोटर का, इसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। तो इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे मोटर के अंदर रोटर को डालेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सभी टाइप के जो भी होम अप्लाइसेंस होते हैं, पावर टूल होते हैं, सबकी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाती है, और सभी में पूरी डिटेल के साथ पूरा वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों ये देखिए बोल्ट लगाएंगे। बोल्ट लगाने से पहले सभी बोल्ट के ऊपर ग्रीस का थोड़ा सा अप्लाई ज़रूर करेंगे, ताकि लंबे समय बाद कभी मोटर भी खुलेगी तो काफ़ी आसानी से बोल्ट हैं जो जंग से भी जाम नहीं होंगे। तो सभी बोल्टों को बिल्कुल क्रॉस में टाइट करना है आपको, फुल टाइट कभी भी एक बोल्ट को नहीं करना है, बराबर बराबर से सभी को हम पूरा टाइट कर लेंगे। ऐसा करने से बिल्कुल मोटर है जो हमारी, मोटर का जो बैलेंस है बिल्कुल ओके आएगा और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो आगे वाला पार्ट लगाकर देखिए, एक बैरिंग के ऊपर ही हमारी मोटर का रोटर है बिल्कुल फ्री हो गया है। ये देखिए सिर्फ एक पार्ट ही लगाया हमने, बिल्कुल आसानी से ये घूम रहा है। तो दोस्तों अच्छे बैरिंग की क्वालिटी की यही पहचान है, एक बैरिंग के ऊपर भी मोटर फ्री हो जाती है। तो ये देखिए क्लच प्लेट जो हमने यहाँ से खोला था, इसको यहाँ पर लगाकर इसको भी आपको पूरा टाइट करना है, क्योंकि लूज रह गया तो ये मोटर चलते वक्त ये खुल जाएगा आपका और मोटर प्रॉब्लम करेगी। कवर को लगाने से पहले वायर का थोड़ा ध्यान रखें, कवर के बीच में ना आ जाए ताकि कट नहीं जाए क्लच के वायर।
तो इसको हमने यहाँ पे लगा कर सेट कर दिया है बैक कवर को। और इसके बाद में इसके जो बोल्ट हैं उसके अंदर भी हमने यहाँ पे ग्रीस का अप्लाई कर दिया है, और इन बोल्टों को भी हम यहाँ पे पूरा टाइट कर लेंगे। उससे पहले यहाँ पे देखिए कपलिंग लेकर इसको कवर को यहाँ से बीच से ठोक कर पूरा सेट कर लेना है। अब हम इसके जो बोल्ट हैं पूरे टाइट कर देंगे। तो सभी बोल्टों को बिल्कुल आमने सामने पूरा टाइट करना है आपको, वही सिस्टम जैसे कि हमने आगे वाला पार्ट फिक्स किया था। तो फैन का लगाने से पहले आपको जो फैन की पिन लगी हुई है उसका आपको होल मैच कर लेना है, उसके बाद ही इसको पूरा ठोकना है यहाँ पे। तो पिन को लगा देंगे, थोड़ा ठोक लेंगे इसको, और ये देखिए पिन भी हमारी काफ़ी आसानी से लग गई है। मोटर बिल्कुल फ्री है, ये देखिए बिल्कुल आसानी से घूम रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो सप्लाई के वायर थे इनको भी यहाँ पे हम रिप्लेस कर रहे हैं, पुराने वाले कटे हुए वायर थे इसके। और यहाँ पे दोस्तों ये देखिए 2.5 mm का जो कॉपर वायर है मल्टी स्टैंड वायर फिटिंग वाला, उसका हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इस टाइप से आपको बिल्कुल थिम्बल टाइप बना के ही वायर को लगाना है, ताकि वायर है जो बिल्कुल भी लूज नहीं पड़ेंगे, और मोटर का जो कनेक्टर है वो भी ख़राब नहीं होगा। बिल्कुल लूज नहीं छोड़ना है, टाइट पूरा सा करना है अच्छे से। तो जो कनेक्शन बॉक्स का जो डब्बी है इसको हम यहाँ पे कस देंगे। तो दोनों पेच इसके भी हमने टाइट कर दिए हैं, तो कनेक्शन भी हमारे बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए जो बैक कवर है इसका, फैन का फैन कवर, उसको यहाँ पे लगाने वाले हैं। इसके जो पेच हैं, जो स्क्रू हैं इसके, उसके अंदर भी हमने यहाँ पे ग्रीस का यूज किया है। तो दोस्तों इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी मोटर आप खोलते हैं तो सभी वोल्टों के अंदर आपको ग्रीस का यूज जरूर करना है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कुछ सेफ्टी पॉइंट मैं आपको बताऊँगा। तो थोड़ा सामान को इकट्ठा करके पास में रख लेते हैं, क्योंकि अब हम हेड को लगाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखिए, इसको भी नहीं भूलना आपको, क्योंकि ऑयल सील लीक होने के बाद में जो ये सेफ्टी रबड़ लगता है यहाँ से, जो कि वैसे ही नहीं जाएगा, बैरिंग से इसको धक्का मार देंगे। देखिए बिल्कुल पूरा चिपका दिया इसको। और ये देखिए दोस्तों, बार बार यदि आपको ऑयल सील डालने के बाद भी पानी नहीं रुकता है तो उसका रीज़न देख लीजिए आप। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, ये रिंग टाइप जो रिंग होती है ये यहाँ पे सेट होती है। तो किस टाइप से सेट होती है ये देखिए, नीचे की तरफ से गोल होता है कुछ भूस है जो, तो यहाँ पे ये जो रिंग है ये यहाँ पे लगने वाली है। सबसे पहले इस रिंग को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये रिंग है जो हमारी यहाँ पे लगाई जाती है इस टाइप से। यदि हम इसको नहीं लगाते हैं या फिर कट जाती है ये, क्योंकि एक बार मोटर फिक्स होने के बाद में बिल्कुल टाइट हो जाती है, उसके बाद हटाते हैं तो कई बार कट भी जाती है। तो इसकी वजह से पानी कितनी भी आप ऑयल सील चेंज कर लो, आपका पानी यहाँ से निकलता रहेगा रिंग वाली जगह से, बुश के अंदर से होकर। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, रिंग का ज़रूर चेक कर लें, और रिंग ख़राब है तो आप ज़रूर लगाएं इसको। तो इसके बाद में हेड को यहाँ पे लगा देंगे हम। तो हेड के चारों बोल्टों को बिल्कुल टाइट करके पूरा हेड हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। चलिए थोड़ा सा टी ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद पूरा हेड कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी भी इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो चलिए दोस्तों, टी ब्रेक के बाद बुश को हम लगाएंगे। तो ऑयल सील हमारा बिल्कुल ओके है, इसके अंदर यहाँ पे ग्रीस का यूज करेंगे, ताकि काफ़ी आसानी से जो ये बुश है अंदर चला जाएगा और कभी जाम भी नहीं होगा यहाँ पे। तो ये देखिए जो इसकी क्वार्टर पिन जो चाबी होती है एम्पलर की, उसका होल मैच करके इसको आपको डालना है। तो यहाँ पे ये देखिए, इसके बाद थोड़ा टाइट है तो इसको पूरा प्रेस कर देंगे, या फिर यहाँ से इस टाइप से इसको ठोक सकते हैं आप कोई कपलिंग वगैरह लेकर। और ये देखिए नीचे सपोर्ट लगा देंगे, नीचे लकड़ी का गुटका लगाकर हमने सपोर्ट लगाया। ऊपर से इसमें जो क्वार्टर पिन है इसको यहाँ से हम हैमर से ठोक कर आसानी से आपको धीरे धीरे ठोकना है। और ये देखिए जो क्वार्टर पिन हमारी सेट हो गई है। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए जो कि हेड पैकिंग है इसकी हमने बनाई थी, तो ये जो पेपर है हम इसमें यहाँ पे 10 नंबर का जो पेपर है उसका यूज कर रहे हैं पैकिंग वाला, और ग्रीस लगा के इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे, चिपका देंगे। इससे क्या है कि ये हिलेगा भी नहीं है और बिल्कुल पैकिंग है जो बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगी। तो इसके बाद में यहाँ पे ये नीचे की तरफ इसमें सिंबल दिया हुआ है, उसको नीचे हेड से मैच करके इसको लगाकर हम खड़ा रख लेंगे मोटर को। तो इसको थोड़ा वापस से दोबारा सेट कर देंगे यहाँ पे। तो इस टाइप से आपको रख लेना है, और ये देखिए इसमें नीचे की तरफ इसको मैच करके आपको बिल्कुल ये पार्ट को यहाँ पे लगाकर और ऊपर से चारों तरफ से ठोक लेना है, बिल्कुल अंदर से ही ठोकना है इसको, साइड में चोट नहीं मारनी है, वरना आपको प्रॉब्लम होगी, जो टक्कर है इसकी ख़राब हो जाएंगी और पानी लीक करेगा।
तो इसके बाद में दोस्तों ये देखिए फाइनल पैकिंग जो कि हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। ग्रीस का अप्लाई ज़रूर करना है और ये देखिए इसका जो उभरा हुआ हिस्सा है एम्पलर का आपको हमेशा नीचे की तरफ रखना है। चाबी जो इसकी क्वार्टर पिन लगी हुई इससे मैच करके इसको कोई कपलिंग या इस टाइप से भी प्लास्टिक हैमर का यूज करके ठोक लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे इसके बाद में जो इसका देखिए जो डिबरी है इसको यहाँ पे हम बोल्ट को टाइट करेंगे। टाइट करने के लिए यहाँ पे देखिए होल था जो उसमें यहाँ पे इस टाइप से कोई भी आप पेचकस वगैरह कील वगैरह डाल सकते हैं और उसके बाद में इसको टाइट कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल भी मोटर हमारी कंप्लीट हो चुकी है, एम्पलर हमारा सेट हो चुका है। तो जो हेड की प्लेट है इसको आप कैसे भी लगा सकते हैं, बाकी नाम सीधा रख के लगाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, अटपटा नहीं लगेगा। तो इसके बाद में पांचों बोल्ट इसके भी हमने लगाकर कंप्लीट कर दिया है मोटर को। तो यहाँ पे मोटर हमारी चलने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है दोस्तों। तो मोटर का सप्लाई वायर लगाकर तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए मोटर को हमने स्टार्ट कर दिया है और मोटर के अंदर हम पानी डालना स्टार्ट करेंगे, लीकेज वगैरह चेक करेंगे, प्रेशर भी चेक करेंगे। उससे पहले इसको पानी डालकर चलती हुई को आपको हेड को बराबर से और फुल टाइट कर लेना है। मोटर जाम भी नहीं होनी चाहिए और ये लूज भी नहीं रहने चाहिए और एक्स्ट्रा पानी डालेंगे। और ये देखिए प्रेशर मोटर का रोकने से भी रुक नहीं रहा है, प्रेशर इसका बहुत ही ज़बरदस्त प्रेशर आ रहा है। ये देखिए प्रेशर की आवाज़ भी आप सुन पा रहे हैं। तो मोटर हमारी जो सक्शन पावर है वो भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो दोस्तों हमारी यहाँ पे मोटर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो और दी हुई जानकारी यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी टाइप के वीडियो आपको चैनल पर मिल जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर।